नमस्कार दोस्तों, मैं रामकलश यादव। दोस्तों, मेरे प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करने वाला हूं कि अपने देसी भैंस को हम पेट साफ करने के लिए दवा पिलाते हैं, फिर भी उसका पेट साफ नहीं होता और उसका गोबर जो है कड़ा ही रह जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हम लोग क्या कमियां कर देते हैं जिसके कारण उसका जो है पेट साफ नहीं हो पाता और गोबर पतला नहीं होता, कड़ा का कड़ा रह जाता है। तो दोस्तों इस बात वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपको मन कोई सवाल रहे तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आते अपने मेन टॉपिक पर कि कारण क्या होता है। जब भी आप अपने देसी भैंस को कीड़ी की दवा पिलाएं, अगर उसका डोज कम है तब समझ लीजिए कि उसका जो पेट है साफ नहीं होगा। इसके लिए जब भी कीड़ी की दवा पिलाएं, यानी पेट में गैस हो गया है, केचुए हो गए हैं या पेट साफ करना है, तो जो कीड़ी की दवा आती है, कई कंपनियां की आती हैं दवाई, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन बात यहां ये आ जाती है कि उसका पेट ही साफ नहीं होता। जब डोज उसका कम होता है तो पेट साफ नहीं होगा। अगर आप 80 ml पिलाए हैं पेट नहीं साफ हुआ, तब समझ लीजिए कि उसको आपको 100 ml पिलाना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि 100 ml पिला देते हैं फिर भी पेट नहीं साफ होता, क्योंकि उसका डोज कम है, तो आप 150 ml पिला सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से आपको अपने देसी भैंस को बहुत आसानी से इलाज कर सकते हैं। ऐसा देखा जाता है कि अगर उनका पेट साफ नहीं होता तो हमारे जो पशुपालक हैं, किसान भाई हैं, वो घबरा जाते हैं कि ये दवा तो काम नहीं किया, दवा नकली है, लोकल है, तरह तरह की बातें करने लगते हैं। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है कि अगर ऐसी समस्या आती है कि पेट नहीं साफ होता, तब आप ये समझ लेना कि उसको डोज कम दिया गया है। जब भी डोज कम देंगे इसी तरह की दिक्कत होगा। और डोज बरोबर दिया जाएगा, यानी उसका भरपूर मात्रा में, जैसे छोटी है, बड़ी है, मोटी है, उसके हिसाब से उसको जो है डोज देना चाहिए। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। थैंक दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए।